दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अमन चोपड़ा के ऊपर एफआईआर हो चुका है। एफआईआर हुआ है दो डिस्ट्रिक्ट में, अमन चोपड़ा के ऊपर दो जिलों में एफआईआर किया गया है। और उन दो जिलों में से वो कौन सा जिला है वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अमन चोपड़ा ने राजस्थान के अलवर में जो मंदिर गिराया गया था उस पर एक फेक न्यूज चलाया, एक ट्वीट किया, इन सब को लेकर अमन चोपड़ा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है दो जिलों में। दो जिला कौन सा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिए। एफआईआर लॉजेड अगेंस्ट अमन चोपड़ा इन बूंदी एंड डंगरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इन दो जिलों में, राजस्थान का इन दो जिलों में अमन चोपड़ा के ऊपर एफआईआर हुआ है और केस दर्ज हुआ है। अब कौन कौन से सेक्शन लगाए गए इन पर, ये भी आप जरा देख लीजिए। ये जो नफरतबाज, जो नफरत कीड़ा बैठा हुआ था, जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराने के लिए अपने अपने न्यूज चैनल के ऊपर डिबेट करता था और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहा था, जिसको लेकर जब पता ये चला कि जो मंदिर गिरा उसमें कांग्रेस का हाथ नहीं है बल्कि बीजेपी का हाथ था, बीजेपी के समर्थन से वो मंदिर गिराया गया, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ और कौन कौन सा सेक्शन लगा, ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे केस हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 153, 295, 295 ए, 120 बी, 124 ए एंड 67 फॉर स्प्रेडिंग रिलीजियस प्रेजेंसी थॉट फॉर न्यूज बोथ ऑफ प्रोड्यूसर एंड एडिटर हैशटैग अमन चोपड़ा ऑफ न्यूज 18 आर अक्यूज्ड इन द एफआईआर। एफआईआर किया गया है इन पे राजस्थान की तरफ से राजस्थान सरकार ने इस पे केस दर्ज किया, क्योंकि राजस्थान सरकार को, कांग्रेस सरकार को जिस तरीके से बदनाम कर रहा था, कल भी मैंने आपको बताया कि क्या फेक न्यूज चलाया इसने, फेक न्यूज चला के ट्विटर पे अपने इसने ट्वीट किया और उसके बाद जब इसे पता चलता है कि बीजेपी ने यह सब कुछ करवाया तो ये ट्वीट डिलीट करके भाग जाता और इसका अब तक कोई आता पता नहीं, न्यूज चैनल पे भी ये नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर केस जो है वो रजिस्टर्ड हो गया इस पे और जल्द ही इस पे कानूनी कार्रवाई जो है वो होगा राजस्थान पुलिस की तरफ से। वो भी जैसे उस पे कोई अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर था वो मैंने आपको बताया और जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, इन दो जिलों में एफआईआर हुआ है, दो जिलों में इस पे केस दर्ज हुआ है। हो सकता है कि और भी जिलों में इसके ऊपर जो है वो केस दर्ज होगा, जो जैसे भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके क्या राय है इस न्यूज के बारे में और इस अमन चोपड़ा नफरती बात के बारे में, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।